सुप्रीम कोर्ट ने जाति गणना पर सुनवाई टली। जज ने खुद को मामले से किया अलग। नीतीश कुमार को करना पड़ेगा इंतजार। बिहार की जाति गणना पर पटना हाई कोर्ट की रोक के बीच सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई होगी। हालांकि शीर्ष अदालत ने जस्टिस संजय करोल ने इस मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया, जिससे इस मामले की आज सुनवाई नहीं हो सकी। बता दें कि पटना हाईकोर्ट के बीच 4 मई को जाति आधारित जनगणना पर अंतिम रोक लगा दी गई। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 3 जुलाई की तारीख तय की गई थी। इसके खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची, याचिका दायर कर जाति जनगणना जारी करने की अपील की गई। जाति जनगणना की रफ्तार पर हाईकोर्ट का ब्रेक। बिहार की जाति गणना की रफ्तार पर पटना हाईकोर्ट द्वारा रोक लगाने के बाद बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा था। नीतीश कुमार जल्द से जल्द जाति गणना करवाना चाहती है। पटना हाईकोर्ट के इस मामले पर अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी। हाईकोर्ट ने इस पर सरकार की जल्द तारीख देने की अपील को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार पहुंचा है मामला यह मामला सुप्रीम कोर्ट में तीसरी बार पहुंचा है। इससे पहले 2 बार जाति गणना को अवैधानिक करार देने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का मसला बताया था। इसमें दोनों बार बिहार सरकार को राहत मिली थी। इस बार पटना हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई है। पटना हाईकोर्ट के इस मामले से जुड़े वकील का कहना है कि अभी कई मुद्दों पर विचार और वितर्क बाकी है। अभी तक केवल जाति गणना को संवैधानिकता, डाटा की असुरक्षा और सुप्रीम कोर्ट की अवमानना जैसे मुद्दों पर ही बहस हुई है। जातियों के नाम बदलने, उपजातियों को जाति के रूप में स्थापित करने की कोशिश, सिखों की जाति नहीं निर्धारित करने तथा किन्नर को जाति बताने जैसे कई मुद्दों पर हाईकोर्ट में अभी तक बात नहीं सुनी है। तो आपको क्या लगता है, जाति जनगणना होगी कि नहीं, अपना कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। एक बात और, हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।